हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लेस एंड ब्लूम्स। आज आपसे पोइनसेटिया प्लांट के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है। इसको आप सर्दियों में लगाते हैं जब, तो इसके कलर्स जो हैं वो बहुत ही गार्डन में ब्यूटी ऐड करते हैं, क्योंकि इसके कलर जो हैं सर्दियों में ही दिखाई देते हैं, फिर गर्मी आती है तो इसके प्लांट से कलर चला जाता है, खाली ग्रीन लीव्स ही बचती हैं। है तो ये परेनियल प्लांट, पर इसके कलर्स जो हैं वो सर्दियों में ही इस पे आते हैं पत्तों पे, गर्मी में ये प्लांट धीरे धीरे पूरा ग्रीन हो जाता है। तो इसको सर्दियों में ही ये ज़्यादा नर्सरियों में दिखाई देता है, क्योंकि उसी समय इसमें कलर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो आपको इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। सॉइल ऐसा बनाइए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि इस प्लांट की दो ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से ये प्लांट गल जाता है, और दूसरा फंगस इसको बहुत जल्दी जो है लगता है। तो आप इसमें सॉइल जो बनाइए, तो एक इसमें वन पार्ट सॉइल लीजिए, वन पार्ट रिवर सैंड और वन पार्ट कोई भी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, और थोड़ा सा कोकोपीट उसमें ऐड कर लीजिए, और थोड़ा नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड। तो इस तरह का सॉइल आप बनाइए, तो उसमें पानी जो है बिल्कुल भी रुकेगा नहीं और निकल जाएगा तुरंत ही, तो इसमें प्लांट में ख़राब होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। और आप इसको अर्थन पॉट में लगाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो ये एक डेलिकेट प्लांट है, और जो भी जितने भी डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उनको आप अगर अर्थन पॉट में लगाते हैं तो उनका सर्वाइवल थोड़ा अच्छा होता है, थोड़े अच्छे वो चलते हैं, क्योंकि अर्थन पॉट में थोड़ा एयरेशन होता है और ठंडक भी मिलती है पौधों को। तो इसको यदि आप अर्थन पॉट में लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा, और गर्मियों में भी इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसको अभी इसमें लगाया हुआ है प्लास्टिक के पॉट में, और अभी इसको रिपॉट भी नहीं कर सकते हैं, इसको करेंगे जब बरसातों में अब इसको रिपॉट करेंगे। तो आपको जब इसको रिपॉट करना हो तो समर में और विंटर में मत कीजिए इसको, इसका रूट बॉल अगर खोल दिया तो फिर ये पक्का डाई हो जाएगा, इसलिए आप इसको बरसातों में ही रिपॉट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसका पूरा एज़ इट इज़ रूट बॉल निकाल करके और थोड़े से बिग पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इसके रूट को डिस्टर्ब करने से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो रिपोर्टिंग जब भी करें तो बरसातों में ही करें, और यहाँ इस मौसम में या सर्दियों में ना करें तो अच्छा है। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स इस समय उपलब्ध हैं, इसमें रेड कलर है, पिंक है, वाइट है, लेमन कलर है, बहुत सारे कलर्स जो हैं अब मिलने लगे हैं। और इसमें आपको कटिंग लगाने के लिए आपको इसमें छोटी सी कटिंग आप ले सकते हैं, 4 इंच की करीब आप कटिंग, 4 से 5 इंच की कटिंग ले करके, और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन उसमें लगाइए और उसको सॉफ्ट मीडिया में लगा दीजिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, और सैंड में भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें 1-1.5 महीने में रूटिंग आ जाती है, लेकिन इसको रूट्स अच्छी बन जाएँ उसके लिए आपको थोड़ा टाइम और देना चाहिए, करीब 2.5 महीने तक उसको एज़ इट इज़ छोड़ दें, ताकि रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, फिर आप उसको निकाल के पॉट करेंगे तो फिर उसके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आप थोड़ा टाइम दे करके फिर कटिंग जो है ट्रांसफ़र करें, तो ये बहुत अच्छे से प्लांट जो है आपका तैयार हो जाएगा, और सर्दियों में काफ़ी आपके गार्डन में कलर जो है वो ऐड करेगा। और इसमें आप जब ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ऊपर से सूखने लगती हैं, तो पता लग जाता है कि इसमें ओवर वाटरिंग हुई है। तो आप जब भी पानी दें इसको, तो टच करके इसके सॉइल को चेक करके देखें कि इसमें अगर नमी है तो पानी नहीं देना है, तो 1 इंच का सॉइल एकदम से ड्राई हो जाए तब इसको आप चेक करके ही पानी दें। और जो भी ब्रांचेज़ अगर ओवर वाटरिंग से थोड़ी सी ख़राब हो गई है जो भी है, तो आप उसको कट करके हटा दीजिए, और पानी का ध्यान रखिए, पानी जो है कम देना है इसको, जब सूख जाए मिट्टी तभी दें। और फंजीसाइड जो है वो एक बार महीने में
इसमें ज़रूर आप डालिए ताकि इसमें फंगस का वो ना हो, अटैक ना हो, तो ये प्लांट जो है आपका वो बचा रहेगा। और इसको क्लस्टर में रखेंगे तो इसको थोड़ी सी ठंडक भी मिलेगी, और ये प्लांट क्योंकि सर्दियों का प्लांट है तो इसको आपको ऐसी जगह रखना है कि इसको थोड़ा सा ठंडक प्रोवाइड हो, हल्की सी नमी मिले, तो ये अच्छा चलेगा। और इसको शेड में ही रखना है आपको अभी गर्मियों में, ताकि ये बचा रहे गर्मी से। शेड में रखने से इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।